तो हेलो गाइस ये वीडियो होने है उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि यूपीएस में सोच रहे हैं एमबीए कोर्स में लेने का, तो मैं उनको बता दू ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव के जो एडमिशन है से, जो एडमिश है एमबीए के लिए वो ओपन हो चुके हैं तो इस वीडियो में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और आपकी फीस और आपके जो प्लेसमेंट्स है उन चीजों के बारे में बात करूँ सबसे पहले अगर बात करें आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के तो उसके बाद करूँ तो आपके फिफ्टी परसेंट चाहिए मिनिमम आपकी क्लास टेंथ ट्वेल्थ और ग्रेजुएशन में तीनों में फिफ्टी परसेंट होने चाहिए तो ही जो आपका एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हो पाएगा तो ही आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने का फायदा होगा और फिर उसके बाद करें आपके सिलेक्शन क्राइटेरिया की बात तो अगर आपने कोई भी नेशनल लेवल टेस्ट दिया है तो आप उसके बेस पर एडमिशन ले सकते हो या फिर आपके ग्रेजुएशन के मार्क्स के बेसिस से एडमिशन हो सकती है या फिर अगर आपको देना देने जो कि यूपीएस एमईटी एग्जाम है पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए अगर आपको एग्जाम दे रहे हैं तो वो आप एग्जाम देकर अपना एडमिशन करवा सकते हो उसके बाद आपका एक इंटरव्यू होता है उसके वजह से आपका एडमिशन जो है वो हो, हो जाता है और अगर किसी को डायरेक्ट एडमिशन चाहिए तो मैं उनको बता दूँ डिस्क्रिप्शन में यूपीएस फॉर्म लिंक दे रखा है आप जैसे ही उस उसने क्लिक करोगे आपकी यूपीएस की एक्शन खुल जाएगी और आपका एप्लीकेशन फॉर्म ऊपर हो जाएगा वहाँ से फॉर्म फिल करके आप एडमिशन करवा सकते हो इसमें आपको कोई इंटर एग्जाम और कोई इंटरव्यू नहीं देना पड़ेगा और आपकी एडमिशन जो है डायरेक्ट हो जाएगी और अगर इसको कोई भी दिक्कत आती है फॉर्म फिल करने में कोई भी दिक्कत है डायरेक्ट एडमिशन के बारे में समझने में आपको कोई क्वेरी है डाउट है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप चैट का लिंक दे रखा है आप उस नंबर पर कॉल चैट कर सकते हो उनसे और सब पूछे

और नेक्स्ट अगर हम बात करें आपकी फीस की तो फीस जैसे आपको पता है टू रे कोर्स है और आपके फोर्थ सेमेस्टर होते हैं तो टोटल तो जो फीस बैठती है वो बैठती है अरा, अराउंड आपकी सिक्सटीन टू सेवनटीन लैक्स की इसके अलावा अगर आप बाहर से आ रहे हो या शिफ्ट हो रहे हो तो आपकी हॉस्टल फीस भी लगेगी तो आप अलग से ऐड करके चलना तो वैसे आपकी टोटल फीस सिक्सटी टू सेवनटीन लैक्स के कोर्स फीस उसके अलावा अगर आप हॉस्टल ले रहे हो तो हॉस्टल की यहाँ अप्रोक्स अगर बात करें तो वन लैख एट्टी थाउजेंड आपको पर ईयर पड़ता है आपको यहाँ हॉस्टल अप्रोक्स बात कर रहा हो इससे कम का भी मिल जाएगा ज़्यादा का भी मिल जाएगा तो आप अपने अकॉर्डिंग देख के ले सकते हो और नेक्स्ट अगर हम बात करें प्लेसमेंट्स की तो लास्ट ईयर जो हाईस्ट पैकेज था वो था तो 30 एल का काफी अच्छा बैक देखने को मिल रहा है आपको और अगर बात करें एवरेज पैकेज की तो पॉइंट सेवन एल पी ए अराउंड था तो वो भी आपको एक अच्छा पैकेज देखने को मिल रहा है हाइएस्ट पेज तो देखो थर्ट एल पी का अच्छा पाइस देखने को मिल ही रहा है लेकिन हाईस्ट सबको नहीं मिलता तो अगर आप एवरेज भी देखें तो सेवन पॉइंट सेवन एल पी एक ठीक ठाक प्राइस देखने को मिल रहा है आपको तो आप कंसडर कर सकते हो बाकी अगर किसी को एडमिशन करवानी है प्रॉपर रिसर्च करना करेंगे गूगल पे और भी वीडियो देख लेते हैं यूट्यूब पर तो ही हमने एडिशन बनाना और अगर किसी ने डिडीज ही लिया है तो डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक्स हैं आप जाकर चेकअट कर सकते हो और अपनी एडमिशन करवा सकते हो